कल 26 है तो आज हमें ड्रेस वगैरह धुलना है, देखते हैं, बहुत काम है अभी। तो गाइज कॉलेज जाके हॉस्टल जाके तो पहले यही करना है कि पहले मतलब कपड़े धुलने हैं। तुम्हें धुलने हैं? नहीं, मौसम देख रही हो, इस मौसम में पता नहीं कपड़े सूखेंगे भी या नहीं। हाँ यार गाइज आज मौसम, कल 8:30 हम लोगों को जाना है, वहाँ पर पहुँच जाना है। गाइज अब पता नहीं मौसम ऐसा बेकार सा हुआ है ना, मतलब ठंड ज्यादा है, धूप नहीं है आज तो पता नहीं। सब लोग आइएगा मेरे कॉलेज लड्डू खाने। पक्का नहीं है, शायद पक्का नहीं है अभी। हम लोग भी ऐसे ही बस खाली पुलाव पका रहे हैं। गाइज देखते हैं कि कल क्लासेस तो नहीं चलेगी ना? क्लास नहीं चलेगी, फ्लैग होस्टिंग के बाद शायद हमारी छुट्टी हो जाएगी। फिर इंटरनल्स भी हैं और इंटरनल्स के लिए हमें रेडी करना है, उसका टाइम मिलेगा। बहुत पढ़ना है अभी, बहुत पढ़ना है। बाय बाय। गाइज मौसम देखिए, धूप बहुत ही कम है, मतलब थोड़ा और हवा बहुत तेज चल रही है। हवा तो चल रही है लेकिन वो होता है ना फॉगी फॉगी सा अपीयरेंस, वही वाला है। गाइज इसे ऑटो मिल गया है, वो भी सीनियर्स के सामने, भागाओ। अस्सलाम वालेकुम। गाइज लाइट्स ऑफ कर देती हूँ मैं निकलने के बाद। ये है रूम का कुछ ऐसा हॉल भी, और ये बकवास। अभी ये ड्रेस निकालना है, सब कुछ निकाल के फिर धुलना भी है। हाय गाइस, निकालते हैं तो बाल्टी, यहाँ फोकस, अभी लाते हैं इसमें पानी। मेरा भी दिखाना, ठीक है? ठीक है गाइज, मेरी रूममेट का शूज देख लीजिए आप लोग, कैंपस का है इसलिए ये वो कर रही है, प्रमोशन कर रही है। रूममेट का बात ना मानते हुए मैं उसके बातों के विरुद्ध जाके वो बोल रही है कि नहीं सुखे, क्योंकि मौसम नहीं उतना सही है ना, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो वो कीड़ा है ना बचपन का, धुल ले। मौसम आप लोग देख रहे हो कितना खतरनाक है, कहते हैं डर के आगे जीत, मैंने सब कुछ धुल दिया, लेट्स सी क्या होता है। तुम सूख जाओ, प्लीज सूख जाना गाइस। जो भी थोड़ी बहुत धूप थी ना वो भी गायब हो गई है, हवा तो ऐसी चल रही है मतलब खतरनाक। क्या ही कर सकते हैं, धुलना था मतलब धुलना था, धुल दिया, अब सूखे ना सूखे पता नहीं यार, ना सूखे तो क्या मैं पहनूंगी, आई हैव नो आइडिया। ओके लेट्स गो। ओके गाइस वर्क्स डन, मतलब बिना ड्रेस निकाले ही मेरे पास इतने, मुझे जल्दी जल्दी करने की आदत थी। हेयर ओपन कर लेते हैं हम गाइस, वो होता है ना मतलब जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो मम्मी क्या करती थी, ड्रेस धुल देती थी सुबह सुबह कि नहीं 26 जन है या 15 अगस्त है तो तुम लोगों को तुम नए ड्रेस पहन के जाने हैं, लाइक दैट कि मतलब धुले हुए होने चाहिए। तो वही होता है कि आदत होता है बचपन से ना, तो वो छूटता नहीं है। वैसे भी 11th 12th में ना हमारा जो स्कूल था तो वहाँ पे मतलब उस एज सच रिपब्लिक डे मनाया नहीं जाता था, रिपब्लिक डे हो या 15 अगस्त। तो ये ऑलमोस्ट 3 साल मतलब 3 साल के बाद है ये, जो भी
सेलिब्रेट करने जा रही हूँ मैं, तो मैं सोची यार ड्रेस तो धुलना बनता है ना। तो मैं बोल रही थी, एक बार इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं और मेरी सिस्टर थे, हम लोग जा रहे थे, मतलब 26 या 15 ऑफ अगस्त में से कुछ एक था, और हम लोगों को जाना था। और क्या हुआ था कि मतलब उस दिन ना गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव में लाइट प्रॉपर नहीं रहती है, एज़ आप लोग जानते ही होंगे। तो फिर हम लोग की आदत हो गई थी, मतलब वो परंपरा अनुशासन जो होता है ना, तो वही हो गया था कि हम लोग को मतलब ड्रेस प्रेस होना चाहिए, प्रॉपर आयरनिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो मतलब आदत ऐसी हो गई थी। तो फिर गांव में होते हैं ना कुछ लोग, मतलब कि आयरन कर देते हैं ड्रेस को, तो हम लोग ने प्रॉपर मतलब मम्मी ने भिजवाया था हम लोगों को कि हाँ ये प्रेस करवा के लाओ, फिर पहन के जाना। तो हम लोग ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे काफी, लेकिन बचपन के 15 अगस्त 26 जनवरी कितने मायने रखते थे ना। सेम गाइस, मैं वही फीलिंग फिर से लाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे ड्रेस धुल दिया। तो सूखे ना सूखे वो बाद की बात है, लेकिन होना चाहिए ना कि वो वाइब लगनी चाहिए ना कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, नए नए ड्रेस में जाएं, आयरन किया हुआ होना चाहिए प्रॉपर। तो मैं सोची क्यों ना कुछ करते हैं, है ना, अच्छा किया ना मैंने। गाइस डू कमेंट डाउन कि आप लोगों में से भी मतलब कितने लोग ऐसे रिपब्लिक डे या फिर 15 अगस्त ऐसे आपने भी सेलिब्रेट किया है, पूरा न्यू प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना, मतलब आयरन किया हुआ होना चाहिए, प्लस वहाँ पे वो झंडे वगैरह लेके लगा के जाना, यहाँ पे नहीं लगता है टैग कि लगे लगा के जाते थे हम लोग वो ट्राइंगल वाला, प्लस यहाँ पे कलर वगैरह करना, मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार कि मतलब कॉलेज में, हमारे कॉलेज में मनाया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग प्रॉपर, मतलब वो डांस वगैरह तो नहीं हो पाया है क्योंकि भाई इंटरनल्स हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ी टाइम चाहिए थी, तो कोई ना, बट सिंगिंग वगैरह है, पोएम्स होगी, पोइट्री होगी, जो भी होगा आई विल शो यू, मतलब जितना हो सकेगा आई विल शो यू, कि मतलब फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता ना, ऐसे फ़ोन निकाल के कैमरा वगैरह, फिर भी जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इज हैपन गाइस, किस्मत खराब है आज मेरी, है ना निधि, लाइट तो ऑन करो। कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, आकांक्षा तुम नहीं दिख रही हो यार, ठीक है, मतलब ये सही तुम नहीं दिख रही हो, ठीक लग रहे हो तुम। बोलो, अच्छा बोलो गाइस, लेकिन हम इतने खबुड़ हैं कि मेरा लाइट खाना खा लेते हैं। हमारे दोस्तों ने दगा दिया है, खाया नहीं, एक रसोई हुए के चक्कर में गाइस, ये पनीर, ये रसगुल्ला, जिसमें पनीर नहीं है गाइस, तुम्हें पनीर मिला ही नहीं, जाके ले लो दोबारा। गाइस लिटरली इतनी बुरी किस्मत है कि मैं तो फैन के आगे, फैन के नीचे एक्चुअली मैं ड्रेस को रख के गई कि हाँ चलो ये सूख जाएगा, फैन चलेगा तो, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही है यार, ऊपर से आज बारिश आ गई है, फिर बारिश से उतार के लाना पड़ा है। आई होप कि ये सूखा हुआ है, मतलब गीला गीला है, पता नहीं यार कैसे सूखेगा, मतलब किस्मत ही आज मेरी बेकार है। देखते हैं गाइस क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट लुक आउटसाइड, मतलब मेडिकल कॉलेज भी लाइक की अंधेरा एंड अंधेरा, मैं टार्च मतलब फोकस ऑन करके क्यों फिर भी कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली मतलब बारिश आ रही है ना, तो क्या पता उसी की वजह से लाइट कटी हुई है। तो यहाँ से कॉलेजेस दिखते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कुछ कुछ लाइटें दिख रही है, आई डोंट नो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो इसकी है मुझे, क्यों ही मैं दूली यार, फाइनली लाइट आ गया है, कपड़े सूख रहे हैं, पता नहीं इट विल बी वर्थ इट और नॉट।
सुबह हो गई है, जैसे तैसे ड्रेस सूख ही गया, तो लेट्स आयरन इट। जनवरी हो गई है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे तैसे तैयार होके हम लोग चले गए हैं, क्योंकि लेट हो गया था तो कोई ना, नेशनल एंथम मिल गया हमें, बहुत खुशी मिली इतने सालों बाद करके। तो एज आई प्रॉमिस कि मैं कुछ ना कुछ क्लिप दिखाऊंगी, सो आई रिकॉर्डेड इट एंड दो लड्डू भी मिले। तो ये रहा हमारा बैच, नर्सिंग का फर्स्ट ईयर वाला बैच। तो हम लोग कहीं ना कहीं मेमोरीज बना रहे थे, ऐसे सोच रहे थे कि ये यूट्यूब पे हमेशा के लिए सेव हो जाएगा ना, आज से 10 साल बाद, आज से 4 साल बाद, हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी सेव हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग खाते हैं अपना 26 जनवरी का लड्डू, वॉज क्वाइट टेस्टी। चलिए चेक करते हैं गाइस, आप लोगों को मैं दे सकती आई विश, तो ना खाते हैं ऐसे। यहाँ पे ना मुझे मम्मी की याद आ रही थी, तो मम्मी की याद इसलिए क्योंकि जब भी स्कूल से ना हमें 2 लड्डू मिलते थे ना, तो एक मैं मम्मी के लिए बचा के लाती थी कि मम्मी को दूंगी, सो आई वाज क्वाइट मिसिंग हर। एनीवे हॉस्टल है, हॉस्टल में तो ये सब बातें होती रहती हैं, है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर गाइज़।